हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिल्लर फॉर्म में और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, दिवाली के इस अवसर पे फिल्लर फॉर्म पे चल रहा है 50% का ऑफ, जहां पर आप दो एग्जाम की तैयारी एक कोर्स में कर सकते हो। तो फिल्लर फॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। गाइस, अब हमारा टारगेट है दिसंबर एग्जाम, बट यहां पर एक सवाल अभी तक सबके मन में जो एक साल से चल रहा है, क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या मैनेज मार्किंग होगी? क्योंकि ये सवाल हमारे माइंड में एक साल से, क्योंकि लास्ट के नवंबर में ये अपडेट आया था कि इस बार सिलेबस चेंज होगा और मैनेज मार्किंग आ सकते हैं, बट अभी तक जून एग्जाम में हमें देखने को नहीं मिला। अब बच्चे दोबारा कंफ्यूज है कि सर हम लोग पढ़ भी लें और कहीं सिलेबस चेंज हो गया तो, या मैनेज मार्किंग आ गई तो चलो कोई बात नहीं। गाइस, मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है फिल्लर फॉर्म पे। फिल्लर फॉर्म पे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करवाई जाती है। पेपर वन के साथ फिल्लर फॉर्म में आपको 14 सेकंड पेपर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस। तो भाई देखो, एक चीज तो कंफर्म है कि आपका पूरा सिलेबस चेंज नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि दिसंबर एग्जाम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सिलेबस चेंज हो। अब क्यों पॉसिबल नहीं, इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर आपका दिसंबर एग्जाम जनवरी में करवाया जाता है, या अगर नवंबर के पहले वीक में नोटिफिकेशन आता है, तो 3 से 4 महीने में पूरी जगह के से सिलेबस चेंज करवाना इम्पॉसिबल गाइस, क्योंकि जो किताबें प्रिंट होती है, जो पैटर्न्स है, उनको अपडेट कराना दिस इम्पॉसिबल। भाई अगर आज आप कोई भी बुक की राइटर, लाइक केवीएस है, हम लोग केवीएस बुक को रेफर करते हैं, तो केवीएस बुक कितनी प्रिंटेड अभी मार्केट में होगी पेपर उनकी, करीब बहुत ज्यादा मार्केट में। अब जब नेट एग्जाम का सिलेबस चेंज होगा, दोबारा बुक को राइट करना, प्रिंट करना, सेटअप करना 3 महीने में इम्पॉसिबल है पूरे इंडिया में। तो जब भी कोई भी संस्था अगर आप अपना सिलेबस चेंज करती है, तो गाइस उसका पहला अपडेट आता है कि भैया आज से 6 महीने बाद जो एग्जाम होगा उसमें ये सिलेबस होने वाला, नेट केट जैसे जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो एक चीज तो है कि इस बार एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, और मान के चलिए अगर होगा तो बिल्कुल ही कम परसेंट में होगा, तो आपको ज्यादा घबराना नहीं, आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात करते हैं माइनस मार्किंग की। तो भाई देखो, नेट एग्जाम किसने भी नहीं सोचा था कि ऑफलाइन नहीं होगा, बट एनटीए ने ऑफलाइन एग्जाम करवाया और वो एग्जाम रद्द हुआ। फिर एनटीए ने दोबारा अपना मूड माहौल चेंज किया और एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया। तो माइनस मार्किंग बात करें तो भैया माइनस मार्किंग का कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो भी सकती है और नहीं हो भी सकती है, ये तो एनटीए के ऊपर है। एनटीए नए नए इंप्लीमेंट करता है, क्योंकि गाइस नेट का लेवल इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर 3 लेवल है। पहला पीएचडी था, नेट जेआरएफ हो गए, तो अब 3 लेवल हो गए, तो यहाँ पर माइनस मार्किंग लाया जा सकता है, क्योंकि अब जेआरएफ का जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो गया है। तो जैसे भी कोई अपडेट आएगा मैं आपके लिए ले आऊंगा, बट आपको तैयारी कंटिन्यू करनी है। सिलेबस चेंज हो या न हो, उनसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं अगर आप लोग नेट और जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो, तो फिल्लर फॉर्म पे अभी 50% का ऑफ चल रहा है, जहां पर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट को हैप्पी दिवाली। इस दिवाली के अवसर पे फिल्लर फॉर्म पे चल रहा है एक जबरदस्त ऑफर, जहां पर आपको सभी कोर्सेज पे 50% का भारी ऑफ दिया जा रहा है, जहां पर आप एक ही कोर्स के अंदर दो एक साथ एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जून और दिसंबर एग्जाम की। तो फिल्लर फॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए।